धार के भोजशाला में सर्वे का आज 24वां दिन है और अभी तक भोजशाला के सभी चिन्हित जगहों पर सर्वे हुआ है। साथ ही गर्भगृह में भी सर्वे हुआ है। आज आधुनिक मशीनों के भी आने की संभावना है, जिसमें जीपीएस और जीपीआर तकनीक की मशीनें भी रहेंगी। गर्भगृह में ब्रशिंग और वीडियोग्राफी के साथ फोटोग्राफी भी की गई है। तो 24वां दिन है आज भोजशाला में सर्वे का और आज आधुनिक मशीनें भी आने की संभावना है। जीपीएस और जीपीआर तकनीक की मशीनें भी आज आ सकती हैं, भोजशाला में प्रवेश कर सकती हैं। गर्भगृह का भी सर्वे हो रहा है, तो तमाम पहलुओं पर सर्वे किया जा रहा है एएसआई की टीम की तरफ से, क्योंकि 42 दिनों में रिपोर्ट अपनी सौंपनी है कोर्ट में और 24वां आज दिन है और यही वजह है कि तेजी के साथ अब इस सर्वे को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता कमल सोलंकी धार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, क्या अपडेट है और आज किस तरह से आधुनिक मशीनों के जरिए इस सर्वे को आगे बढ़ाया जाएगा? मनु, आज 24वां दिन है और अब निश्चित तौर पर आज संभावना व्यक्त की जा रही है कि जीपीआर और जीपीएस की जो मशीन है, महत्वपूर्ण मशीनें जो कि जमीन के अंदर भूतल में भी देखेगी, गर्भीय स्थिति देखेगी कि क्या कुछ जमीन के अंदर में है, उसको लेकर आज मशीनों के आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। साथ ही टीम पहुंच गई है सुबह 8 बजे। आज भी 22 से ज्यादा अधिकारी और 27 से ज्यादा कर्मचारी भोजशाला के अंदर पहुंचे हैं और सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। गर्भगृह के अंदर भी सर्वे चल रहा है, साथ ही भोजशाला के बाहर भी एक टीम सर्वे कर रही है, तो उत्खनन भी भोजशाला के अंदर जारी। साथ ही महत्वपूर्ण जो है, अब समय बचता है क्योंकि 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। 28 तारीख लगी हुई है अप्रैल की, जब रिपोर्ट को माननीय हाईकोर्ट को देना है, तो ऐसे में सर्वे टीम के अब सदस्य भी बढ़ जाएंगे। साथ ही मशीनें भी बढ़ाई जाएगी ताकि सर्वे को माकूल रूप से करके रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट को प्रस्तुत की जा सके, इसके लिए आज मशीनों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। निश्चित तौर पर आज या कल में मशीनें पहुंचेगी, उसके बाद इस सर्वे की कार्रवाई बहुत जल्द आगे बढ़ेगी। मनु, ठीक है कमल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भोजशाला में सर्वे का 24वां दिन है और आज एक और पहलू को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक मशीनों का भी प्रवेश भोजशाला के अंदर कराया जा सकता है और सर्वे को एक नए तरीके से, नए एंगल से आगे बढ़ाया जा सकता है।